इट्स योर योगेश टुआ, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि इस व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं, तो सीधा व्लॉग को शुरू करता हूँ। मैं हो गया हूँ टिप टॉप तैयार, सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों के तैयार होने की। तो मैंने कहा कि चलो जितनी देर वेट कर रहा हूँ उतनी देर मौसम को इन्जॉय करूँ, और इसीलिए मैं छत पर आ गया हूँ। मौसम देखो कितना सही सनराइज़ हो रहा है, और ये आसमान देखो कितना सही कलर का हुआ पड़ा है। तो मैं ये इन्जॉय कर रहा हूँ, साथ साथ में व्लॉग शूट कर रहे हैं और बाकी लोग हो रहे हैं तैयार। तो इस बार मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मैं न्यू इक्विपमेंट्स ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग को शूट करने के लिए। तो देखते हैं व्लॉग अच्छा बनता है कि गंदा बनता है, क्योंकि मुझे नहीं पता इक्विपमेंट्स अच्छे यूज़ होंगे कि गंदी तरह यूज़ होंगे, वो आप बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलो फिर चलते हैं नीचे। चलो अम्मा बाय। यात्रा सफल करे। चलिया जी गाली देना चाहते हैं कमेंट में, नाम मत कर, खुले आम गाली दे सकते हैं। सवाल लग रही है, दे सकते हो गाली। मास पालो, मास पालो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ऑर्डर की थी bonkers.com से टी-शर्ट। Bonkers has not sponsored this video. हम लोग वो ले रहे, फील ले रहे यूट्यूबरों ने का। सो बॉन्कर से टी शर्ट ऑर्डर की, और बॉन्कर वाली टी शर्ट का कल मैसेज आया कि 12 तारीख को आएगी। मैंने कहा 12 को मैंने तुमसे लेके क्या करना है टी शर्ट। फिर मैं गई मार्केट, मैंने जाके जगह जगह टी शर्ट्स खोजी। मैंने कहा सबसे बड़ा साइज कौन सा है, उनका सबसे बड़ा साइज था 2XL 3XL। मैंने कहा जेंट्स में सबसे बड़ा साइज कौन सा, जेंट्स में था 3XL सबसे बड़ा। ढूंढ ढूंढ के मेरे को ये ऑक्टेव की टी शर्ट मिली है जो 5XL जेंट्स है। लकड़ी मेरे को रोस्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। ये देखो अभी आपको अपना कंटेंट क्रिएटर दिखाते हैं। क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू, क्या ब्लॉगर बनेगा।
कह रहे हैं अगर कोई कंटेंट आएगा मेरे को उठा देना, और उठाने में भी नहीं उठता। क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू योगेश दुआ? One hour later. जा आगे फौरन निकल जा, अब जा व्हाइट हाउस आ गया, ओबामा ने व्हाइट हाउस आ गए, अभी भी निकल गए। पहुंच गए हम मैक्लोडगंज से आगे बक्सुनाग, यहाँ हमारा स्टे है, यहाँ अब हम रेस्ट करेंगे। से हेलो, ठंड है, ठंड सारे हाई हो पड़े थे अभी तक। तो यार हमने वैसे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मतलब साथ में थोड़ा होता खाना लेके आए थे वो ही सबने खा लिया, बट लिटरली किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सभी बस ऐसी कोक वगैरह चिप्स वगैरह जो साथ में पूड़ियाँ वगैरह लेके आए थे उस पर ही चल रहे हैं। और फिर कपड़े भी चेंज करेंगे, ठंड है यार यहाँ बहुत ज़्यादा, और मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी। सोचा है त्रिउंड जाएंगे, ऊपर स्नो लाइन जाएंगे सुबह ट्रैक करके तो ठंड होगी, बट यहाँ ये देख सकते हो आप सारी पीछे फोग है, पीछे फोग है, इतनी ठंड है यहाँ पे। अब हम जाके कपड़े वगैरह डालेंगे थोड़े पूरी बाजू वाले, थोड़े विंटर्स वाले, बट इतनी भी नहीं है कि सहन ना हो, इसलिए हम आराम से घूम रहे हैं। ये इतना सामान है, ये कंडीशन है सड़कों की, और हम इतनी दूर से आए हैं, वो नीचे से आए, यहाँ से आए हैं नीचे से। वहाँ जाना होटल में, वो रहा गोस्ट ऑफ्स, यहाँ जाना है। ये कंटेंट क्रिएटर वीडियोस बनाता हुआ गोप्रो के साथ, गाइस हम पहुंच चुके हैं गोस्ट ऑफ्स डॉम्स में, यहाँ हम स्टे कर रहे हैं बक्सुनाग में, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं अभी बाहर जाके दिखाता हूँ, बाहर बहुत शोर डाल रहा था, ये सारे बाहर हैं, ये सारे बाहर बहुत शोर डाल रहे थे, इसीलिए मैं अंदर आया ताकि थोड़ा सा आपको बता सकूँ। कल सुबह तक का स्टे है, कल सुबह हम चेकआउट करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे ट्रैक के लिए, ट्रेन ट्रैक के लिए, उसके जाएंगे स्नोलाइन ट्रैक करने अगले दिन। और इस वक्त हम टॉप फ्लोर पे हैं क्योंकि हमारे रूम हो रहे हैं क्लीन, और फिर उसके बाद हम अपने रूम्स में जाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे आधा घंटा, फिर मार्केट वगैरह घूमेंगे, शिवा कैफ़े जाएंगे, और थोड़ी बहुत हाइकिंग वगैरह करेंगे ताकि वार्म अप हो जाए कल के लिए, क्योंकि कल बहुत लंबा दिन होने वाला है हमारे लिए, और बहुत मुश्किल भी होने वाला है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए नहीं, जैसे कि इन लोगों के लिए, ये लोग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ट्रैक, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। और ये कर रहे हैं सेकंड टाइम ट्रैक, मैं भी और ये भी कर रहे हैं सेकंड टाइम ट्रैक। अभी थोड़ी देर बाद हम अपने रूम्स में जाएंगे, तो मैं आपको रूम टूर भी दूंगा, मैं दिखाऊंगा कि रूम्स हमारे कैसे हैं। आई होप सो रूम्स बहुत अच्छे हैं। मैं इस लड़के पे आशीष पे ट्रस्ट करता हूँ कि इसने अच्छे रूम्स करवाए होंगे बुक, क्योंकि सारा कुछ इसने ही बुक करवाया है, गाइड जो है जिसके साथ जाना है, जो कैंपिंग वगैरह रेंटल पे लेने हैं, टेंट्स वगैरह, वो सारा इस स्लीपिंग बैग्स वगैरह वो सब इसने ही हैंडल किया है। दिखा देता हूँ कैसा लगता है, बहुत ही एस्थेटिक लुक है, बहुत ही आर्टिस्टिक लुक है इसकी, बहुत कूल लुक है इसकी, और बहुत अच्छा है, कलरफुल है ये, जैसे थोड़ा थोड़ा बहुत तो आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो थोड़ा बहुत, जैसे अगर किसी को वर्केशन के लिए भी आना है एक दो दिन के लिए तो वो भी उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बक्सुनाग में ये मैक्लोडगंज से थोड़ा आगे, और ये मतलब कि अगर आपको शांति में बैठना है, कुछ काम करना है, या स्टे करना है, या घूमने आना है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह। ना, 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 ना।
कहाँ पे है वो पापा? अभी मेरे को सुना जैसा है कोई कितारा कितारा गूंज जैसा है कोई कितारा रंग तेरा एक तारा एक मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो न करना था कर डाला चल चाहिए अब हम आ गए, अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं पेस्ट्री खाने मैक्लोडगंज तक पैदल। नहीं, दारू नहीं पीते हम। पैदल रोड देखो कितनी सुनसान है, कितना मजा आ रहा है यार। इतनी सुनसान रोड पे बीचों बीच सिर्फ हम चल रहे हैं और कोई भी नहीं है इस रोड के बीच। सिर्फ यहाँ बैठ जा थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग, आज है हमारा सेकंड डे। ये लोग जा रहे हैं। इस रास्ते से आना था और वो उस रास्ते से नीचे चले गए। चंपा काली चरण, अगर ये बंदा मेरा व्लॉग देख रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।